हेलो, मैं राजस्थान सरकार बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही आवाज़ हर फ़ोन पर कानों में गूंज पड़ती थी। आज हम एक ऐसे नेता की बात करने जा रहे हैं जिन्हें अलवर ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान की राजनीति में हमेशा आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये नेता थे घासीराम यादव। घासीराम यादव जी का जन्म मुंडावर के एक छोटे से गाँव भुनगड़ा में हुआ था। 15 नवंबर 1924 को इनका जन्म हुआ और 30 नवंबर 1998 को ये स्वर्ग सिधार गए। ये जब भी किसी नेता, अफसर, मंत्री या मुख्यमंत्री से बात करते तो सीधा कहते थे कि मैं राजस्थान सरकार बोल रहा हूँ। ये घासीराम जी का तकिया कलाम था। इन्होंने नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़कर सन 1952 में राजनीति में कदम रखा। विधायक के रूप में 1952 से शुरू हुआ ये सफ़र 1997 तक आते आते यह तकिया कलाम पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। चाहे किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री हो, अलवर जिले की राजनीति के दिग्गज नेता घासीराम यादव कुछ इसी अंदाज में बोला करते थे। आज भी पुराने लोग मैं राजस्थान सरकार बोल रहा हूँ के कहने मात्र से ही समझ जाते हैं कि अलवर के दिग्गज नेता घासीराम यादव की बात हो रही है। एक दौर में उनसे बड़ा नाम अलवर ज़िले की राजनीति में कोई दूसरा नहीं था। घासीराम यादव जी खुद मटका बजाते थे और रागनी भी गाते थे। चाय पीने के बड़े शौकीन थे। कदकाठी में भी काफ़ी अच्छे नेता थे। जब कभी मुख्यमंत्री से भी बात करनी पड़ती तो भी उनका लहजा बदलता नहीं था। ये टोटल 1952 से 1997 के बीच 7 बार विधायक, मंत्री और सांसद बने। घासीराम यादव जी की कई विशेषताएँ हैं। इन्होंने कभी जेब के पैसे से चुनाव नहीं लड़ा। इनको अहिरवाल क्षेत्र से खूब चंदा मिलता था, लेकिन चंदे का पैसा कभी खुद की जेब में भी नहीं रखा। चुनाव के बाद जो पैसा बचता था उसे कार्यकर्ताओं में ही बांट दिया करते थे। किसी की पैंट शर्ट फटी मिलती तो उसे नई ड्रेस बनवा देते थे। किसी को अनाज के लिए पैसा दे देते थे। कभी रिक्शा में बैठते तो जितना बड़ा नोट सामने आया वही रिक्शा चालक को दे दिया करते थे। बकाया पैसे कभी वापस नहीं लेते। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात ये है कि आज के समय में हर तहसील, हर ज़िले को एक ईमानदार नेतृत्व की ज़रूरत है जो आगे आए और अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करे। दोस्तों, ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स कंटिन्यू देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।